हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 1 to 7 रूल्स मैं आपको करवा चुका हूँ बच्चे। आज रूल नंबर 8, 9 और 10 करेंगे, और बहुत सारे बच्चे बच्चे जो हैं वो आंसर भेज रहे हैं मुझे सोल्व करके। बहुत अच्छी बात है। आज भी आपको मैं आंसर शीट क्वेश्चन पेपर दूंगा एक, वो आप करके देखना। उसमें 1 to 10 रूल्स होंगे आज, ठीक है? ध्यान से करना बच्चे, और रोज आपको नई चीज सीखने को मिल रही है। कल बहुत अच्छी चीज सीखी आपने बच्चे, फाइंड और फाउंड दोनों में बहुत डिफरेंस है। फाइंड होता है बच्चे खोजना, और फाउंड होता है स्थापित करना। ये चीज सीखी कल बच्चों ने। आज तक आप यही सोचते थे कि फाइंड की सेकंड ही फाउंड होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। फाइंड अलग है, फाइंड की सेकंड फाउंड होती है, ठीक है, और इसकी थर्ड भी क्या होती है, फाउंड। लेकिन जो फाउंड होती है वो भी फर्स्ट फॉर्म है। वो किसकी होती है, स्थापित करने की। आई फाउंड मोन्यूमेंट्स, स्मारक वगैरह स्थापित किए इन चीजों के लिए। इसकी सेकंड होती है फाउंडेड, और इसकी थर्ड भी होती है फाउंडेड। ये चीज आपने सीखी, फाइंड भी फर्स्ट है फाउंड भी फर्स्ट है। बच्चे यही सोचते थे कि फाउंड हमेशा क्या है, सेकंड फॉर्म है, लेकिन फाउंड भी फर्स्ट फॉर्म हो सकती है। कल मैंने आपको एग्जांपल में करवाया, जिन बच्चों ने होमवर्क भेजा उनको ये शीट मिली थी, और आज भी जो होमवर्क भेजेंगे उनको ही शीट मिलेगी, ठीक है बच्चे? देखिए अब रूल नंबर 8, 9, 10 ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। इफ सेंटेंस में क्या आएगा बच्चे, इफ आएगा, बस ये पहचान है इस रूल की। इफ की 3 कंडीशन होती है। कई बार इफ के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, कई बार इफ के बाद सेकंड फॉर्म आती है, और कई बार इफ के बाद हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है। वैसे तो बच्चे इनको कंडीशनल बोला जाता है, लेकिन हम कंडीशनल याद ना रख के ये कह सकते हैं कि इफ वाले रूल कितने होते हैं, 3 होती हैं। इफ के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकेंड फॉर्म आती है, हैड थर्ड आता है। जब जब इफ के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है तो हमारा आंसर होता है विल प्लस फर्स्ट, और जब जब इफ के बाद सेकेंड फॉर्म आती है हमारा आंसर होता है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जब जब इफ के बाद हैड थर्ड आती है तो हमारा आंसर होता है वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बच्चे देखिए, कई बार तो ये पार्ट देगा वो और ये चीज पूछेगा, ये चीज दी होगी ये चीज आपसे पूछेगा, ये चीज दी होगी ये चीज पूछेगा। तो घबराना नहीं है, इफ जरूर होगा सेंटेंस में, बस इफ का पेयर बना लेना आप। इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म विल प्लस फर्स्ट सेकेंड पार्ट में, इफ के बाद सेकेंड फॉर्म तो सेकेंड पार्ट में वुड प्लस फर्स्ट, इफ के बाद हैड थर्ड तो सेकंड पार्ट में वुड हैव थर्ड। अगर विल फर्स्ट दी हुई है इफ वाले सेंटेंस में तो हमारा आंसर फर्स्ट फॉर्म, वुड फर्स्ट दी हुई है सेकंड फॉर्म, वुड हैव थर्ड दी हुई हैड प्लस थर्ड फर्स्ट फॉर्म के साथ। एक चीज और याद रख लेना, वी फर्स्ट एस आई एस जो सिंगुलर के साथ लगती है, रूल नंबर 4 में आपने पढ़ी हुई है। अब देखिए एग्जाम्पल, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड यू डैश पास। अब देखिए इफ आ गया बच्चे, इफ के बाद कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, तो आंसर विल प्लस फर्स्ट, विल पास। ऐसी इसी सेंटेंस में देखिए, इफ यू वर्कड हार्ड, इफ यू वर्कड हार्ड यू डैश पास। तो देखिए बच्चे इसमें क्या हुआ, इफ आया लेकिन कौन सी, सेकंड फॉर्म के साथ आया, तो हमारा आंसर वुड पास। ऐसी देखिए, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू डैश पास, तो हमारा आंसर वुड हैव, और थर्ड फॉर्म बच्चे पास्ट, ध्यान रखना थोड़ा सा, वुड हैव पास्ट। तो इफ की कितनी कंडीशन, 3 कंडीशन, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड। जहां जहां फर्स्ट आए विल प्लस फर्स्ट, सेकंड आए वुड प्लस फर्स्ट, हैड थर्ड आए वुड हैव थर्ड। हो सकता है विल दे दे, विल फर्स्ट दे दे तो फर्स्ट फॉर्म एस सी एस, वुड प्लस फर्स्ट दे दे सेकंड फॉर्म, और वुड हैव थर्ड दे दे तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म। एक ऐसे आता था बच्चे पहले, इफ आई प्रिंसिपल, इफ आई वर बर्ड, इफ आई वर डैश, इफ आई वर प्लेयर, तो उसका आंसर किस में देना होता था, वुड प्लस फर्स्ट में देना होता था, ठीक है? तो वही ऐसे आता था ये वाला ही रूल्स में से। तो ध्यान रखना बच्चे आप, ये 3 रूल्स हैं आज मैंने आपको कराए हैं, और 1 to लेके 10 की शीट्स आपको मिल जाएगी, और करके देना आप, देखना बहुत अच्छे से रूल्स याद करने हैं। ओके, थैंक यू।